अग्रिण पंक्ति में बैठे हुए सभी विद्वान और पीछे मेरे दोस्त। इस दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो इस वक्त किसी विचार के लिए, किसी सर्जन के लिए, किसी विश्वास के लिए, किसी नए करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। और ये बहुत खूबसूरत बात है कि हम इस सृष्टि का सबसे खूबसूरत, इस नेचर का सबसे खूबसूरत एक सर्जन है। उसने हमें बड़ी खूबसूरती से नवाजा है, बनाया है। हमारे भीतर बहुत सारी संवेदनाएं, बहुत सारी अभिव्यक्ति के माध्यम, बहुत सारे विचार कूट कूट कर भरे हैं। और उससे भी एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि इस ब्रह्मांड में जब प्रकृति ने अपने आप को करवटों से बदल करके, अपनी करवटों में जब मनुष्य को रचा था, तो उसने बड़ी बेहद खूबसूरती से एक चीज और भी तय कर दी थी कि तुम्हारे लिए, तुम्हें जो चीज चाहिए वो तुम्हें दे दी थी। हम सब लोग बहुत सारी बातों से वाकिफ हैं, शायद मुझसे भी कहीं ज्यादा जानते हैं हम लोग। बस केवल बात इतनी सी है कि जो लोग जिस तरह से अपना जीवन जी पा रहे हैं या जिए, करोड़ों सालों से एक प्रोसेस चल रहा है। हम चीजों को कंसीव करते हैं और डिलीवर कर देते हैं। हम कुछ नया नहीं कर रहे, करोड़ों सालों से कुछ भी नया नहीं कर रहे। बड़ा महत्वपूर्ण विषय यह है कि हम लोग अपने अपने बीज तत्व को भी नहीं महसूस कर पाए। सीड क्या थी, क्या हम स्वभाव से पेड़ थे, पौधे थे, बेल थे? हमें सीखने के अवसर, लाखों लाख अवसर ये प्रकृति देती है। कभी थोड़ी देर अपने से बात की, इतनी आपाधापी, पता नहीं कहां जाएंगे, क्या करना संभव है, कितनी व्यवस्थाएं। इस पृथ्वी के आरंभ में दो व्यवस्थाएं समय के साथ चलने को उत्सुक थे, एक नेचुरल, एक प्रकृति, और दूसरा अननेचुरल, अप्राकृतिक। बड़ी विषमता यह थी कि हमने प्रकृति, प्रकृति के बारे में हम, शायद मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा, पहले हम अप्राकृतिक विषयों पर बात कर लेते हैं। क्योंकि हम जिस संसार में जी रहे हैं वो बहुत ही मेटलिस्टिक है। हमारे भीतर की सारी संवेदनाएं, हमारे भावनाएं, हमारे को व्यक्त करने की, प्रेम की अभिव्यक्ति की सारी स्वतंत्रता हमने इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में खो दी है। हम किसी से कुछ कह नहीं सकते। हम अपनी आंखों से देखते कि नदी बह रही है, लेकिन संकोच, बहती हुई नदी को भी हम ये नहीं कह पाते कि वो बह रही है। इससे ज्यादा हमारी मुश्किल क्या होगी। हम केवल एक दिन की हत्या करते हैं रोज, बस और कुछ नहीं। जबकि हमें मालूम है, इस बात का मालूम है कि सर्जन, सर्जन करना, नया करना, क्रिएट करना, ये शब्द शब्द हैं। और वो भी ऐसे शब्द जो अप्राकृतिक है। भाषा अप्राकृतिक होती है। साउंड्स, नदी झरती है, नदी बह रही है, अलौकिक है। कभी नदी को बहते हुए देखो। नदी तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगी।
पेड़ की सरसाहट को सम महसूस करो, वो पत्तियां कब पैदा हो जाती हैं? हमें इन सबसे कोई लेना देना नहीं क्या? तो फिर हमारे जीने का अर्थ क्या रहा? हम जानते हैं कि हम पांच एलिमेंट्स, फाइव एलिमेंट्स हैं, जल, थल, आकाश, वायु, अग्नि, लेकिन पांचों तत्वों में उसने तो कोई कमी नहीं की। तुम्हें जल चाहिए था, उसने जल दिया, क्योंकि उसको जीव पता था कि जीवन की आवश्यकता है ये। थल दिया, पैदा करो, खाओ, इस आपाधापी में क्यों हो? अन्न उगाओ, खाओ। बहुत मुश्किल हो रही है, हम कला को जी नहीं रहे। जीवन एक कला है, बहुत पढ़ाया जाता है। जीवन कला है, ये शब्द 50 शब्द, केवल मात्र 50 शब्द और 50 वाक्यों में दिन निपट जाता है। नया कोई शब्द नहीं बोलते, खा लिया, पी लिया, चले गए, आ गए, कहीं चलना है क्या? फिल्म देखी, नहीं देखी, सीरियल अच्छा था, बुरा था, पता नहीं क्या क्या था। 50 वाक्य केवल, 50 सेंटेंस, और पूरी की पूरी हम जानते हैं इस बात को, हम समय की परिधि से मुक्त नहीं है। समय हमारे साथ जीता है। कितना जीता है? यांत्रिक हो गए हम। हम जिस संप्रेषण की भाषा, जिस अभिव्यक्ति की भाषा की बात करते हैं, जो समझने की भाषा है, वो बस केवल कम्युनिकेशन की भाषा है। इसके बाहर जाकर के हम कुछ नहीं करते। बस आप और मैं, शायद हम 1, 2, 3, 4, 5 भाषाओं के बारे में बात कर पाए, लेकिन अलौकिक, शाश्वत केवल एक ही भाषा है, और वो प्रेम की भाषा है। तुम जितना प्रकृति के निकट जाओगे, उतना तुम सत्य के निकट जाओगे, और जितना तुम सत्य के निकट जाओगे, उतना तुम परमानंद पाओगे। परमानंद, ये जीवन की आपाधापी से थोड़ा सा बचना पड़ेगा अगर हमें कुछ नया करना है तो। स्त्री और पुरुष, मैं जिस विषय पर काम करता रहा हूं, कई बार मुझे बताया गया कि मैं स्त्री और पुरुष के अंतरंग संबंधों के बारे में बातचीत करना पसंद करता हूं, उन्हें बनाने के लिए मैं उत्साहित रहता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि ईश्वर ने मुझे, प्रकृति ने मुझे 3 गुणों में, खासतौर से अभिव्यक्ति के 3 गुणों में मुझे संपूर्ण किया है। मैं अपनी बात कह पा रहा हूं, बहुत सुख और आनंद का विषय है, पर मुझे अपने आनंद से मेरा आनंद मिल रहा है। लेकिन आपका आनंद, हमारा अपना जीवन को लेकर के दायित्व क्या है? हम उस व्यवस्था में जी रहे हैं, अप्राकृतिक व्यवस्था, अननेचुरल। वो तुम्हें कुछ नहीं दे रही, वो तुम्हें युद्ध, केवल युद्ध। इन पिछले 5,000 सालों के अंदर 1700 युद्ध लड़े गए, शांति के लिए नहीं। ऐसी शांति कौन चाहेगा? प्रकृति कभी नहीं कहती कि तुम युद्ध करो। प्रकृति कहती है कि तुम प्रेम करो।
मैंने तुम्हें प्रेम के लिए जीवन दिया है। लाखों लाख स्त्री पुरुष पता नहीं कितनी जिज्ञासा रही होगी उस समय पृथ्वी की, उस समय उस संसार को रचने में, जब वो ये चाहती थी कि मैं जिसका सर्जन कर रही हूं वो संसार का सबसे विशिष्ट प्राणी है मनुष्य। लेकिन हो कुछ नहीं रहा, नया कुछ नहीं हुआ। विज्ञान कितना यांत्रिक है, कितना कुछ जान पाया प्रकृति के बारे में और जान भी लिया, तो पृथ्वी ने, प्रकृति ने कभी भी कोई भी ऐसा हथियार नहीं बनाया। ये विषमताएं हमने खुद पैदा की हैं पूरे संसार में। आप सब लोग बहुत विद्वान लोग हैं, सब जानते हैं, बस केवल अपने से बात नहीं करते। कभी बात करो, जरूरत है इस समय बात करने की, क्योंकि हम तभी बचेंगे। हमें लौटना होगा उन दिनों में जब नदी बना लेती थी रास्ते अपने आप, रूप और आकार भी तय नहीं था जंगल के वास्ते, आदमी कुछ वक्त बचाता था प्रेम के लिए। हमारी जरूरत है प्रेम, बात केवल संघर्ष की है। ये जो विषम संघर्ष जो हमने पैदा किया है, प्रकृति तो तुम्हें फिर संभाल लेगी, लेकिन अप्राकृतिक होकर तुम कितनी दूर जाओगे जब तुम्हें कल के बारे में नहीं पता है, जब अनिश्चितताएं बिल्कुल आपके समक्ष खड़ी हैं, उसके बावजूद भी तुम प्रेम से वंचित हो। ये तुम्हारा दर्द तुम्हारे लिए है। शब्द कुछ नहीं रखते, शब्द बहुत 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 अरसे में अपने अर्थ खोलते हैं। कितने सालों पहले पता नहीं उम्मीद पता नहीं किस इंसान ने की होगी। भला है वो इंसान जिसने ये उम्मीद की होगी कि शायद आज बारिश आएगी, शायद आज नदी में पानी उतरेगा, शायद आज बर्फ पिघलेगी। मालूम नहीं। उस भावना को करोड़ों साल बाद अपनी अपनी भाषा रचकर इंसान ने उसे शब्द दे दिया। किसी ने उम्मीद कहा, किसी ने होप कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। कितनी आवश्यकता है मन की भाषा, मन के भीतर बहते हुए संसार को पहचानने की कोशिश अगर मनुष्य नहीं करेगा तो इस मनुष्य, हम मनुष्य नहीं रहे अब। हमें तो यह भी नहीं पता, हमें पड़ोसी बताता है कि तुम उस दिन भले आदमी पैदा हुए थे, तुम्हारा नाम भी किसी और ने रखा, तुम्हारी अपनी सार्थकता क्या है, तुम्हें जीवन को सोच करके विचार के क्या महसूस करना चाहते हैं कि संसार हमारा कैसा होना चाहिए। प्रकृति तुम्हें हर वक्त सजो रही है, तुम्हें प्रेम कर रही है, तुम्हारी आवश्यकताओं को वो पूरी करती है। प्रकृति ने कभी भी कहीं पर भी कोई ऐसी हस्ताक्षर नहीं की, कोई ऐसी रेखा नहीं पूरी पृथ्वी पर जहां पर यह बात तय कर दी गई हो कि तुम इस और रहोगे, तुम इस और रहोगे, कहीं नहीं। ये व्यवस्था जो अननेचुरल, जो व्यवस्था हम बना रहे हैं, जिस शिक्षा को हमने पाया है वो कितनी मुश्किल हो गई है, क्योंकि पुरुष की जो शिक्षा थी वो बिल्कुल भिन्न थी। पुरुष अपेक्षावादी है, आकांक्षावादी है, वो हिम्मतवर ताकतवर है, नेचर ने उसको बनाया है, लेकिन उसको कंपनसेट करने के, लेकिन वो अकेला है, बिल्कुल अकेला है, इसीलिए वो युद्ध को प्रेरित है।
लेकिन स्त्री बिल्कुल उससे सरल, पूरा प्रेम, पूरी उसकी कमी, जो पुरुष के पास जो कमी है उसको स्त्री ने पूरा किया। ये संपूर्णता है, ये पोल्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स हैं। जितने नजदीक आएंगे उतनी दिक्कत है, क्योंकि अब समस्या यही हो रही है कि हम स्त्रियों को भी पुरुष बना लेना चाहते हैं, दोयम दर्जे का पुरुष बना लेना चाहते हैं, केवल इसलिए क्योंकि इससे हम और युद्ध को प्रेरित होंगे। बड़ा मुश्किल है, कितने युद्ध और चाहते हो? मैं ऐसी बहुत सारी प्रार्थनाएं शायद आपसे कर सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहां पर सभी प्रखर हैं, विचारवान लोग हैं, और संभवतः तुम्हें अपने लिए ये जीवन बचाना है। हमें कोशिश करनी होगी कि हम उस कच्ची मिट्टी पर चलें, ना कि सड़क पर। उस कच्ची मिट्टी पर चलें जहां पर हम अपने पांव के निशान छोड़ दें, उन लोगों के लिए जो इस संसार के परमानंद को पा लेना चाहते हैं, क्योंकि तुम ही हो उसके अधिकारी। अगर तुम इस बात को समझ लोगे कि तुम और अधिक मनुष्य होने के लिए हो, तुमने ही इस मनुष्य सभ्यता पूरी की पूरी व्यवस्था को, पूरे के पूरे संसार को अब तुम्हें ही बचाना है, क्योंकि तुम्हें वो नहीं दिया गया। इतिहास के पन्नों पर ऐसा कुछ नहीं है, भविष्य के गर्भ में भी कुछ ऐसा नहीं है, केवल आज है, अभी है, अभी भी प्रण लेना है, आश्वस्त होना है। हमें अपने अपने अंतस्थ के अंदर वो खूबसूरत फूल खिलाना है, जो इस संसार में पहले कभी नहीं खिला हुआ ही नहीं, नया करना है। हम सुबह से शाम तक जो कुछ देखते हैं वो सब कई बार दोहराया जा चुका है, कई बार। नया करो, नए की आवश्यकता है, लेकिन पुरुष अपने पुरुषार्थ से वो बनाए जो स्त्री का पूरक हो जाए, और स्त्रियों को वो शिक्षा दी जाए जो पुरुष के समकक्ष न आकर पुरुष वो अपने 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 स्त्रीत्व के अंदर महान हो जाए। क्योंकि अब ये जिम्मेदारी स्त्रियों पर ज्यादा है, क्योंकि पुरुष अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं वो सब केवल इसी संघर्ष की वजह से हुए, क्योंकि पुरुष की मानसिकता ऐसी है, उसको प्रकृति ने ऐसा बनाया, वो क्षुब्ध है, परेशान है, क्योंकि वो अब प्रेम विहीन है। उसकी आवश्यकता केवल अनुरोध, विनय और प्रेम से ही पूरी हो सकती है। और इस सृष्टि को बचाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस सृष्टि को बचाने में इतने संघर्ष, जो हम जितने आनंद से विहीन हो रहे हैं, ये केवल वजह केवल यही है कि हम जिस आपाधापी में पड़े हैं उसका निष्कर्ष हम नहीं जानते, हमें अपने लक्ष्य नहीं पता, हमें अपना बीज तत्व पता ही नहीं। कितनी संक्षिप्त सी बात है, जामुन की गुठली जमीन में गिरी, समय ने उसको प्रोटेक्ट किया, उसको विचार दिया, उसको समय के उस पूरा माहौल बनाया उसके लिए, और वो जब
बड़ा हुआ तो पैदा होने से पहले ही उसको ये बात पता थी कि मैं जामुन का ही पेड़ बनूंगा। आम की गुठली जमीन में गिरी और वो आम का पेड़ बना। बहुत सिंपल सी बात है, सब जानते हैं। तो मनुष्य जब पैदा हुआ तो वो मनुष्य ही क्यों नहीं रहा? कभी विचार नहीं किया? इतने ये जीवन जो जीवन जो जिस जीवन के लिए ये जो जीवन तुम जी रहे हो, तुम इसके लिए विवश नहीं हो। तुम्हारे अंदर अथाह शक्ति है, अथाह। कभी परेशान हो तो आसमान की ऊंचाई को देखो, उसका आनंद लो। जब मन करे तो बारिश की बूंदों में भीगो, जब मन आए तो फूलों को निहारो। तुम्हारे लिए बेहद खूबसूरत संसार उसने रचा है, अपने अंतस्त के अंदर उस फूल को ढूंढो अगर तुम्हें नया ही करना है तो। और उससे भी मजेदार बात यह है कि कोई भी आदमी, अगर एक पेंटर के तौर पर अगर मैं ये बात कहूं तो हम कई बार बातचीत करते हैं तो हम किसी से पूछते हैं, वैसे कि कोई भी विषय, दुनिया का कोई भी विषय, कला बड़ा विस्तृत विषय है। हमें लगता है कि बेसिकली वो ऐसा है जैसे हम सांस लेते हैं, पूरा दिन हम सांस लेते हैं। एक गहरी सांस हम खुद नहीं लेते, पूरा दिन सांस लेते। कितना रोबोटिक है, कितना यांत्रिक है, कभी गहरी सांस नहीं लेते। ये मान करके ये सांस तो कम से कम मैं ले लूं, मैं तो बहुत है ना, लेकिन मैं सांस नहीं लेता। बड़ी मुश्किल से ले भी ली तो, और नहीं आई तो उसका महत्व पता चलेगा। चलता है, सांस बहुत महत्वपूर्ण है। सांस लेना शायद उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है प्रेम करना, क्योंकि भला प्रेम के बिना सांस कोई कैसे लेगा? पूरा दिन एक सांस नहीं ली, और महत्व हमें तब पता चला उसका जब हमें ये लगा कि हम सांस नहीं ले पा रहे। तो हम पूरा दिन कर क्या रहे थे? पूरा दिन रोबोटिक थे, संवेदना नहीं थी, अभिव्यक्ति का कोई साधन नहीं था, बस। और उससे अलग बड़ा परमानंद है। उस यांत्रिक संसार से निकल करके एक बार कला के संसार में आओ। तुम सुबह से लेकर देर रात तक, और देर रात नहीं बल्कि जीवन के प्रारंभ से लेकर के और जीवन के अंत तक तुम कला के ऋणी हो। बस ऐसा ही है जैसे सांस लेना। पूरा दिन तुम कला को ही जीते हो। कौन से रंग का कपड़ा पहनो, कौन से रंग का कपड़ा नहीं पहनो, कौन से जूते लूं, कौन सी चप्पल लूं, कौन सा, शायद बाइक का कलर अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, ये सब चीजें ठीक है, कला से जुड़ी है। कला के सानिध्य के बिना, प्रकृति के सानिध्य के बिना कोई भी चीज संभव है ही नहीं। कभी विचार करना, यहां सब बहुत विज्ञान के भी लोग बैठे होंगे, नेचर के बिना कोई भी अननेचुरल फैक्ट कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो बहुत विषय है, आप
अब संक्षिप्त में यही कहूं कि सबसे पहले आप अपने बीज तत्व को जरूर जानें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपका स्वभाव तय होता है कि आप पेड़ हैं, बेल हैं, पौधे हैं। पेड़ का स्वभाव सब जानते हैं, पेड़ बड़ा होता है, विराट होता है। तो कुल मिलाकर ये सब व्यवस्थाएं हैं, और मैं आपसे पुनः यही प्रार्थना भी करूंगा और आपसे आशा भी करता हूं, उम्मीद भी करता हूं कि हम लोग फिर मिल पाएंगे कभी, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, क्योंकि आज भी मिले। और इस टेडेक्स जी के मंच ने जो मुझे यहाँ पर अपने कुछ विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए उनका शुक्रिया। और हमारा गोस्वामी जो एसडी कॉलेज है, इनके सभी पदाधिकारी, सभी सम्माननीय लोग, और ख़ास तौर से इस प्रोग्राम को, जिन बच्चों ने इस प्रोग्राम को बनाया, ऑर्गेनाइज किया, मेरी तमाम तमाम शुभकामनाएं उन्हें हैं। मैं बतौर और तो खैर क्या, लेकिन मैं उन सब लोगों को और आप सब लोगों को बेहद अपना स्नेह प्रस्तुत करता हूं, और कोशिश करते हैं कि मैं आपको एक बेहतर कोशिश अपनी करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मैं नहीं करूंगा, ये मेरा परमानंद करता है। मैं अपने परमानंद में हमेशा रहता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका भी सदा सदा परमानंद बना रहे। जय।